तो आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है ये बनके हमारा टमाटर का पकौड़ी। ये खाने में इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी और अंदर से हल्का खट्टा खट्टा लगता है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा चटपटा। आप इसे खाएं और इसे बनाएं और खाएं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टमाटर की पकौड़ी बनाना सिखाऊंगी और ये इतना टेस्टी बनता है, बनाने बाद आप खाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ऐसे मोटे मोटे पीस कट कर लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं, ज़्यादा बारीक ना काट करें, बिल्कुल इस तरीके के साइज़ के। आप सारे आपको जितना भी बनाना हो आप अपने हिसाब से कट कर लें, आप देख सकते हैं। मैं दो ही टमाटर का बनाऊंगी इसलिए मैंने दो ही लिया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने टमाटर कट कर लिया है। अब हमें इसे फ्राई करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, चलिए देख लेते हैं। हम एक कटोरा लेंगे इस तरीके का, इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। तो मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन, आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ चम्मच मैंने बेसन ले लिया, आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अब बेसन के अंदर हम ऐड करेंगे पानी, आप देख सकते हैं, उसका एक घोल बना लेंगे। घोल बिल्कुल अच्छी तरीके से स्मूथ बनना चाहिए, कोई भी लंग्स ना रहे इसके अंदर। ये हमारा घोल बन चुका है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा चम्मच से भी कम थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसके अंदर नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स, इसका ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाएंगे, थोड़ा गाढ़ा ही बनाएंगे घोल। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। ये अभी बहुत ही मोटा है तो बहुत ही गाढ़ा है, इसको हम थोड़ा पतला कर लेंगे। इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। अब बिल्कुल इस तरह से इसका घोल बनाएं कि हमारा जो टमाटर है उसके ऊपर कोट हो जाए, उसके ऊपर कोट हो जाए, चिपक जाए, ऐसा नहीं कि वो बह जाए। तो मैं आपको चेक करा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका थिकनेस, देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके का आप रखें। मैं आपको एक टमाटर के ऊपर कोट करके दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आप कोट करें और ये इस तरीके का रहें, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का आप रखें इसका थिकनेस, तो आपके बहुत ही अच्छे टमाटर के पकौड़े बनेंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम ये अपना बेसन का घोल लेंगे और ये टमाटर लेंगे, इसको हम डिप करेंगे इस तरीके से और इसे हम ऑयल में इस तरीके से डाल देंगे, सभी को इसी तरीके से डाल देंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये टमाटर के पकौड़े, आप इसे एक बार ट्राई करके बताएं। इसी तरीके से सबको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये देख सकते हैं तो मैं किस तरीके से डाल दूँगी।
अब एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जो टमाटर हो वो टाइट हो, लूज ना हो, ना वो ज़्यादा एकदम पका हुआ घुला हुआ ना, टाइट टाइट होना चाहिए आपका टमाटर, फिर पकौड़ी आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा एक साइड का पक चुका है, अब मैं इसे पलट लूँगी, अब मैं दूसरी साइड से इसे पका लूँगी। आप थोड़ा गैस को लो टू मीडियम पे ही रखें, मीडियम पे रखें, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मीडियम पे रखें ताकि ये हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पलट लें एक एक करके। आपके कढ़ाई में जितना स्पेस हो आप उतना ही डालें, ज़्यादा ना डालें, इसे भी हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हमारा फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारा फ्राई हुआ, सभी को इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया बनके हमारा रेडी है, टमाटर के पकौड़े बनके रेडी है। तो आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें।